दोस्तों आज बात करने वाले हैं आधार एनपीसीआई के विषय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज अपडेट आया है। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकारी स्कीम्स है जिनको अब सरकार डायरेक्ट डीबीटी एनपीसीआई के माध्यम से पैसा भेजने वाली है। चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या आपकी पेंशन स्कीम्स हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या बुढ़ापा पेंशन हो, किसी भी प्रकार की सरकारी अगर आपको सब्सिडी या लाभ दिया जाएगा वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो आपको ये पता होना बहुत ही आवश्यक है कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अभी तक ये सर्विस जो आधार कार्ड की थी चल रही थी, बस पूर्णता स्टार्ट नहीं हो रही चल रही थी। आपको कहीं ना कहीं जुगाड़ करके चेक करना होता था कि आपका आधार कार्ड डीबीटी एनपीसीआई से लिंक है नहीं है, लेकिन अब आधार कार्ड ने इस सर्विस को बहुत ही आसानी से चेक करने का जरिया लॉन्च कर दिया। आप एक क्लिक में पता कर पाएंगे कि आपका आधार एनपीसीआई से लिंक है नहीं लिंक है। मैं अगर बेनिफिट की बात करें कि आपके आधार डीबीटी को अगर लिंक करने के बेनिफिट क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक है नहीं है, इसके बाद ही आप इसके बेनिफिट को जान पाएंगे। बेनिफिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आधार से एनपीसीआई लिंक होने का, जैसे कि आपकी पीएम किसान का पैसा या बुढ़ापा पेंशन या किसी प्रकार की सब्सिडी सरकार के तौर पे अगर आती है तो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। तो कैसे चेक करना है उसके लिए मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो सबसे पहले ले चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आते ही आपको माई आधार लिखना है। ये काम आप अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर पर भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन पर आप डालिएगा और क्रोम ब्राउजर खोलिएगा, उसमें माई आधार लिखिएगा तो पहला ही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका आधार पे मोबाइल नंबर लिंक है नहीं लिंक है। उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए कि नीचे ऑप्शन मिलता है, उससे आप आसानी से अब ये चेक कर पाएंगे कि आपका आधार मोबाइल से लिंक है नहीं है। देखिए वेरीफाई ईमेल या मोबाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप ये जान पाएंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं लिंक है। अगर आपके आधार पर मोबाइल नंबर लिंक है तब आप डीबीटी वाला ऑप्शन चेक कर पाएंगे, अगर लिंक नहीं है तो पहले आपको आधार को मोबाइल से लिंक कराना होगा और इसके बाद आप चेक कर पाएंगे। तो पहले आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये जान लें कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है नहीं लिंक है। लिंक होने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर और एक कैप्चा कोड मांगा जाता है, डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो डालकर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका पूरा डिटेल पूरा डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा जैसे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन यहाँ डिसेबल हुआ करता था, नहीं दिखता था, अब यहाँ पर इनेबल हो चुका है। तो आपको बैंक सीडिंग स्टेटस पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए डायरेक्ट आपको कुछ भी फिर नहीं डालना, सीधा आपके पास मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। आपका आधार नंबर के 4 अंक, आपका कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है, वो बैंक सीडिंग स्टेटस आपका एक्टिव दिख रहा है और लास्ट अपडेट डेट भी दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका आधार बैंक मैपिंग डन हो चुका है। यहाँ पर आपका देखिएगा ग्रीन कलर का टिक लगा है। अगर आपका नहीं लिंक होगा तो यहाँ पर आपका कुछ और दिखेगा, ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आपका आधार सीडिंग मैप नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसे कैसे कराना होता है इसका मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा कि आप कैसे अपने आधार और बैंक को मैप करा सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की सरकारी स्कीम का लाभ आपको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिल सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं ब्रेक करूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हेल्प इन हिंदी को तो जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।